उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। दोस्तों स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में, और आप देख रहे हो वाइजो माउंटेन। वाइजो माउंटेन लगातार छोटी बड़ी खबर साथ आपको रूबरू कराता रहता है। तो साथ ही आज मैं उनियाल मोक्षण में हूँ, तो नैनाणा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यहाँ पे लोगों की काफी समस्या है, इनमें से एक समस्या बड़ी निकल के आ रही है जो है नेटवर्किंग की। लगातार हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री लाइफ डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ और है। जानते हैं लोगों से यहाँ पे उनको क्या क्या दिक्कतें आती है। इस लॉकडाउन के बीच जहाँ सरकारें ऑनलाइन एजुकेशन की बात करती है, सरकार यहाँ पे लगातार ऑनलाइन छोटे बच्चे आजकल क्लासेस कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो टावर की समस्या है लगातार बनी हुई है। इन्होंने अभी बात भी किया है दिलीप रावत जी से भी, जो हमारे विधायक हैं, तो उनका क्या हल निकला है अभी उनसे बात करते हैं। मेरे साथ है स्थानीय लोग जो यहाँ पे, जिनका एक गांव है उनियाल मोक्षण, यहाँ पे सुरेंद्र सिंह रावत जी हैं, जिनकी ये लगातार यहाँ पे अभी इनका ये भी कहना है कि दिलीप रावत जी से भी इनकी बात हुई, उन्होंने भी यहाँ पे आश्वासन दिया है उनको नेटवर्किंग की। सर अभी तक क्या उसका अभी क्या रिजल्ट रहा? मैं तो समझता हूँ कि जैसा आज तक हमने समय काटा है, और ऐसा लगता है कि वही समय अभी भी कटेगा और पता नहीं कब तक कटेगा। यहाँ पर कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। हमने सुना है कि नैनाणा विकास खंड में 4 जीओ के मंजूर हुए हैं, या किसी भारत सरकार तो BSNL लगाई, हम कह रहे हैं हमारे BSNL ही लगा दें, कुछ तो लगाए। और हमने 16 ग्राम सभाओं के प्रधानों की मोहर यहाँ से आपको जहाँ जहाँ तक नजर आ रही है, ये सब नेटवर्क विहीन क्षेत्र है ना। तो कौन करेगा? हो सकता है कि ये केवल चुनाव की प्रतीक्षा करते हो, और उससे पहले मैं तो कह रहा हूँ उससे पहले भी देने वाले नहीं है कोई, नहीं अभी यहाँ पे देने वाला नहीं है। अब जैसे आपने अभी शब्द बोला कि आजकल मतलब ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, यहाँ का बच्चा कितना दुर्भाग्यपूर्ण जीवन बिता रहा है उसको ये मालूम नहीं कि ऑनलाइन होता क्या है। मतलब 6 महीने हो गए बच्चों को घर में बैठे बैठे, आप खोल रखे क्लास 9th और 10th और 12th वालों की। अभी मैंने ये भी सुना है यहाँ पे जब यहाँ पे बच्चे एजुकेशन लेते थे तो यहाँ से काफी दूर 1-1.5 किलोमीटर कुछ टॉप में और परसों देखा, अब तो आप हम जाते थे उधर फोन करने के लिए, और उस दिन से अब हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि अब उधर बाघ का आतंक है भाई। आपने सुना होगा कि यहाँ पर हमारे केलदार में ही घटना हुई है, सुबह 8 बजे बाघ ने बिल्कुल वो काम कर दिया। तो अब डर का माहौल बना हुआ है बहुत ज्यादा, घर से निकलना मुश्किल। नेटवर्क फोन करने के लिए हम ये कह रहे हैं कि आज के युग में कोई भी आदमी है, कोई भी क्यों नहीं सोच रहा है कि जिसको एक दिन नेटवर्क विहीन जीवन बिताना पड़े, कोई भी बिताए, जिसको आदत क्या मतलब, वो तो बहुत आवश्यक चीज है, आवश्यक चीज हो गई है। और ये हर एक को सोचना चाहिए कि ये इतना बड़ा इलाका कैसे अपना जीवन बिता रहा है, मतलब कैसे चल रहे हैं। क्योंकि जैसे हाल ही में रिवर्स प्लान हुआ था, कई बच्चे गांव में आए थे, उनको भी बड़ी दिक्कतें आई होंगी, यहाँ चले गए वापस, फिर अपने आप ही वहीं चले, बिल्कुल वापस चले मजबूरी में, दिल्ली की स्थिति को देखिए, और फिर भी बच्चे जाने को भी तैयार है और जा भी रहे। क्या करना है, माने इस स्थिति में आज सारे बच्चे अपने घरों से काम कर लेते, कई है ऐसी कंपनियां या सरकारी क्षेत्र में भी घरों से काम हो रहा है, लेकिन यहाँ के बच्चे मतलब मजबूर है बाहर जाने के लिए। अच्छा, मेरे साथ युवा जैसे हमारे गांव में जितने यूथ्स हैं, उन यूथ्स में मेरे ख्याल से 70-80% IT से बिलोंग करते हैं, IT से बिलोंग कर देते हैं, तो हम यहाँ वर्क टू होम कर सकते हैं, क्योंकि हम दिल्ली में भी बैठ के कर रहे हैं। हमारी इच्छा था कि हम भी अपने गाँव में आए, अगर नेटवर्क होता तो हम सब शायद गाँव में होते, और जैसे दिसंबर से लेकर मार्च भी कर रही है हमारी कंपनी कि मार्च तक वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, तो अगर नेटवर्क होता तो मार्च तक यहाँ होते। ये भी तो युवा वर्ग का ये कहना है कि अगर नेटवर्क होता तो मार्च तक हम यहाँ होते और यहाँ पे अपने घर पर काम करते हैं, साथ साथ ही क्या हो जाता है कि बस रोजगार भी दिखते हैं यहीं पे। लेकिन यहाँ पे हाल ही में यहाँ पे और भी मेरे साथ युवा वर्ग। अच्छा, आपका शुभ नाम? मनीष रावत। अच्छा मनीष जी, आप कहाँ रहते हो? हम दिल्ली में रहते हैं अभी तो। अच्छा, यहाँ पे कितनी दिक्कत आ रही है नेटवर्किंग से? नेटवर्किंग की तो बहुत दिक्कत है यहाँ पे हमें मतलब कुछ करना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है किसी से बात करने के लिए, तो हम कहीं दूर
दूर जाना पड़ता है, दूर नहीं जंगल के बीच जाने के लिए वहाँ पे मतलब ढूंढते हैं वहाँ पे करते हैं। अच्छा अच्छा, आप वहाँ पे हम गांव आना चाहते थे, जैसे ये लॉकडाउन में काम करने के लिए ऑफिस का काम वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, हम गांव से करना चाहते थे पर ये हो नहीं पा रहा, यहाँ पे मजबूरन हमें वहीं बैठ के करना पड़ता है। ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे निकल के आ रही है कि ये यहाँ पे जो युवा वर्ग है जो घर में काम करना चाह रहे हैं आपने इस नेटवर्किंग के थ्रू, लेकिन यहाँ पे एक नेटवर्क फोन करने के लिए भी आपको नेटवर्क ढूंढना पड़ेगा। ये मेरा फोन है अभी, इसमें बिल्कुल जियो भी है और आइडिया भी है, BSNL भी है, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है यहाँ की इस गांव जो उनियाल मोक्षण इस गांव के लिए। कई बार नेता से बात हुई, यहाँ पे हमारे जन नेता भी हैं, प्रतिनिधि हैं, लेकिन वो यहाँ पे देख के भी अनदेखा कर लेते हैं और लगातार ये बनी हुई है समस्या, लगातार बनी हुई है। आप देख रहे हो वाइज ऑफ माउंटेन और मैं चाहता हूँ यहाँ पे जल्द से सरकार को भी यहाँ पे सुध लेने की जरूरत है। यहाँ पे हर बार ये देखा जाएगा चुनाव का टाइम होता है तो जुमले शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ गांव के बुजुर्ग महिला हैं, बूढ़ी हमारी, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे उन्हें कैसी दिक्कतें आती हैं जब वो फोन करते हैं अपने बच्चों को बाहर, हो आज सभी लोग अपने स्वरोजगार के लिए बाहर गए हैं, दिल्ली NCR कहीं बाहर, तो जब बात करते हैं तो क्या समस्या आती है। अच्छा मन बूढ़ी, आपका शुभ नाम क्या थे? अच्छा अच्छा, आप तक जब आप फोन कर दो बच्चों को ना हमारे फोन, अच्छा हम तो जब 2-3 किलोमीटर जाए पड़े फोन करना, अच्छा नहीं जब यखन हमको फोन है कोई सुविधा कह दिया हमको तब तो जो हमारे से आते हैं बिल्कुल अगर नहीं तो लोग देखना अलग अलग अगर टाइम हुआ सब हम सुविधा कह रहे हैं हमको पर फोन सुविधा कह दिया। अच्छा मतलब बाद में हमें 3 किलोमीटर दूर जाना पड़े। हाँ बच्चे 3 किलो जानी बच्चा हमने तो जा नहीं सको, हमारा बच्चा जानी मेरा हमारा ये लड़का बुहारी तो हमको बहुत परेशान था, हमको फोन नहीं की तो बोड़ी बोड़ी का यही कहना है कि जब अपने बच्चों जो दूर यहाँ से कम दिल्ली NCR कहीं बाहर जो जॉब कर रहे हैं वहाँ रहते हैं उनसे बात करना भी यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो रहा है, सालों में भी बात नहीं हो पाती यहाँ पे, तो लगातार अब नेटवर्किंग समस्या बनी हुई है। वाइज ऑफ माउंटेन हमेशा आपको जन जन की बात, हमेशा ग्राउंड लेवल की बात दिखाता रहता है और आज मैं उनियाल मोक्षण में हूँ और यहाँ पे नेटवर्क की बड़ी समस्या है, सरकार को सुध लेने की जरूरत है। धन्यवाद मेरे साथ कैमरामैन रावत जी, संजीव नेगी के साथ उनियाल मोक्षण नैनाना ब्लॉक। पहाड़ों की खबर हम लोग आपके लिए लगातार ला रहे हैं, वॉइस ऑफ माउंटेन्स का आप लोगों को बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, आगे भी चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी बजाना ताकि आपको अपने आप खबर मिले, लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करना। पहाड़ों की खबर देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।